अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाँ मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं DHACD कराची के अंदर। DHACD कराची के अभी इस वक्त मैं इंटरचेंज के ऊपर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे DHACD कराची का इंट्रोडक्शन जो बोर्ड है वो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं DHACD कराची के सेक्टर 2 के हवाले से। सेक्टर 2 की तमाम मालूम आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी और सेक्टर 2 के हवाले से सबसे पहले लोकेशन क्लियर कर देता हूँ। ये इंटरचेंज जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है सेक्टर 2, और उसके एक साइड पर हमें सेक्टर 1 भी मिलता है। सेक्टर 2 की लोकेशन इंटरचेंज बनने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा वाजह और बेहतरीन हो चुकी है। नाज़रीन, DHACD कराची सेक्टर 2 के हवाले से आपको मज़ीद बताता चलूँ कि सेक्टर 2 के साथ ही DHACD कराची का नया गेट इंटरचेंज वाले रोड पर ही के करीब ही सेक्टर 2 है, और सेक्टर 2 के साथ ही नया गेट भी बनने जा रहा है जिसका काम आप मेरे साइट पर देख सकते हैं। बहुत तेज़ी के साथ जारी हो सारी है। नाज़रीन, सेक्टर 2 के हवाले से मज़ीद आपको बताता चलूँ कि हमें यहाँ पर 4 सब सेक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि A, B, C और D। प्लॉट्स के हवाले से बताता चलूँ तो सेक्टर 2 A, B और C के अंदर हमें 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं और D के अंदर हमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। इस वक्त हम सेक्टर 2 C के अंदर खड़े हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट पर प्लॉट है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि M9 मोटरवे भी काफ़ी ज़्यादा वाजे है। इसी के साथ हाइट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स सेक्टर 2 के अंदर डिप्रेशन के अंदर भी मिल जाते हैं। सेक्टर 2 के वाले से नाज़रीन अगर मज़ीद बताया जाए तो सेक्टर 2 की डेवलपमेंट का काम कम्प्लीट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल किया जा चुका है, यानी कि पोजीशन भी दिया जा चुका है। आप आ करके यहाँ पे अपना घर कंस्ट्रक्ट करके रिहाइश पजीर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर सेक्टर 2 के एतराफ़ के सेक्टर्स की बात करी जाए तो हमें इसके एक साइड पर सेक्टर 1 मिलता है, एक साइड पर सेक्टर 3, और इसके पीछे की साइड पर हमें सेक्टर 5 भी मिलता है। नाज़रीन, अगर सेक्टर 1 के हवाले से एम्यूनिटीज़ में बताए जाए जो काउंट होती है DHACD कराची के सेक्टर 2 के अंदर भी, तो हमें सेक्टर 1 के फार्म हाउसेज इसके नज़दीक मिल जाते हैं, यानी कि DHACD OSS, और नज़दीक में ही बड़ा मशहूर एयरवे लगुना जैसा प्रोजेक्ट भी बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान का पहला मैन मेड ब्रिज भी बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ दूसरी साइड पर सेक्टर 3 भी है जहां पर पोजीशन दिया जा चुका है, जहां पर फैमिलीज आकर अब रिहाइश पजीर हो रही हैं। वहां पर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, और पाकिस्तान का पहला मुफ्त कैंसर हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया जाने वाला है, यानी कि शौकत खानम हॉस्पिटल की बात करने जा रहा हूँ मैं, जिस जो ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर। यानी कि सेक्टर 3 के अंदर हमें आने वाले वक्तों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमर्शल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। और अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 2C और 2D के डिवाइडेड रोड पे खड़ा हूँ, और ये काफ़ी हाइट वाली जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे रोड पर देख भी सकते हैं। सेक्टर 2C में 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और 2D में 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। यहाँ पर जो प्लॉट्स की कटिंग है वो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ प्लॉट्स हाइट्स पर हैं और कुछ डिप्रेशन के अंदर प्लॉट्स हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर सेक्टर 2 की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेक्टर 2 को काफ़ी बेहतर समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेक्टर 3 के बाद अब किसी सेक्टर की अहमियत बढ़ रही है, तो वो बढ़ रही है सेक्टर 2 की, क्योंकि इसके चारों एतराफ़ में एक्टिविटीज़ हमें मिलती हैं, लोग आते जाते देखते हुए दिखते हैं। और इसी के साथ साथ दोनों एतराफ़ से जो DHACD कराची की एंट्रेंस है वो सेक्टर 2 को कवर करती है, इसीलिए सेक्टर 2 को बेहतर समझा जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज के लिए नाज़रीन इतने, अपने उस्ताद मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे सीनियर समीर असगर साहब आपकी हेल्प कर देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।